सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। दहेज के लिए महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के बारे में सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कभी कभी हम ये सोचने के लिए बाध्य हो जाते हैं कि क्या कोई मनुष्य सच में इतना निर्मम और जालिम हो सकता है कि किस तरह किसी की बहन बेटी के साथ अत्याचार करते हैं। ऐसा ही मामला मेरठ के निलोहा में देखने को मिला, जहां दहेज के लोभियों ने विवाहिता को सिगरेट से जलाकर दाग कर घर से निकाला। महिला की शादी 7 वर्ष पहले दोराला थाना क्षेत्र में हुई, जिसके बाद महिला अपने मायके पहुंची और दहेज के लोभी ससुराल वालों और पति के खिलाफ मवाना थाने में तहरीर दी। मेरठ से मुकेश ठाकुर की रिपोर्ट। पता नहीं क्या होगा, जगह जगह हमारे पीछे अपने आदमी भेजते हैं कि हमारा तो फैसला होगा, समझौता होगा, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं हो रहा। कब हुई थी आपकी शादी? 24 जून 2012 को। कहाँ पर? दोराला गांव में। किससे हुई थी? विवेक अहलावत, उसके पिता का नाम स्वर्गीय देविंदर सिंह है। अब क्या कह रहे हैं? अब तो कुछ भी नहीं कह रहे कि लाते हैं, ले जाते हैं, हाथ पैर जोड़ के। इनका तीसरा मौका है साहब ऐसे करने का, हाथ पैर जोड़ के ले जाते हैं और फिर मारपीट करते हैं, घर को से मिलने देते हैं। मेरे घर के मुझे फोन देकर देते हैं, लल्ली बात कर लेकर उसे भी तोड़ कर रख देते हैं, फिर पूछते हैं कि क्या हुआ फोन में, फिर बच्चों ने खराब कर दिया। कुछ डिमांड करते हैं वो? हाँ जी। क्या डिमांड कर? कहते हैं कि पड़ोस में तो इतना माल आया, हमारा तो कुछ भी नहीं आया, ना मेरे बाप ने मोटरसाइकिल दी ना कुछ दिया, आपका मोटरसाइकिल ले लिए, आपका नू ले लिए। ये निशान किस चीज़ के? सिगरेट के। क्या करा सिगरेट? ऐसे शराब पी के नशे में रहते हैं, शराब बीड़ी पी के सिगरेट पी के ऐसे हाथ पे निशान लगाते थे कि चीख लगा है क्या, टुक लगा है क्या, ऐसे पूछते थे। और जब मैं चिल्लाती थी तो मुंह खींच देते थे क्योंकि मोहल्ले को सुनाओ कि यहाँ से। एक निलोहा गांव की रहने वाली महिला है, उन्होंने आज एक ऐसी तहरीर दी है कि उनके पति द्वारा ऐसा कृत्य किया गया है। जैसी सूचना मिली है वो दौराला क्षेत्र में ब्याई हैं, परंतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार उनका मुकदमा मवाना थाने पर पंजीकृत कर लिया गया है और साथ ही उनका मेडिकल भी कराया जा रहा है। परंतु जो आउटर अपीयरेंस है या जो भी महिला कांस्टेबल्स ने उनको देखा है, ऐसा कोई अभी का निशान नहीं है, भले ही पुराने कुछ निशान हो सकते हैं। उनका मेडिकल कराया जा रहा है, जो भी इसमें विधिक कार्रवाई होगी वो आवश्यक रूप से की जाएगी।